समस्या क्या होती है कि हम लोगों के यहाँ राजनीति है और राजनीति में गोलबंदी, मतलब गोलबंदी ही राजनीति है। बीच में लाइन खींच दी जाती है और हमारी गोल में है कि नहीं है यही देखा जाता है कि ये व्यक्ति हमारी गोल में है कि नहीं है। हमारी गोल में है तो बिल्कुल अच्छा है चाहे कैसा भी हो, और अगर हमारी गोल में नहीं है तो बहुत खराब है चाहे कैसा भी। ये एक व्यवहार का तरीका हम लोगों ने बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में गोलबंदी ही राजनीति के रूप में ख्यात हो गई हो, राजनीति शब्द जो है वो बहुत ऊंचा है, हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है, और राजनीति माने राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। तो अगर जो राजनीति शब्द हमारा है, जो उसको महाभारत में प्रयोग किया गया है, जिसको रामायण में प्रयोग किया गया है, अगर वो राजनीति का शब्द हो तो अलग बात, आजकल तो वो राजनीति है नहीं, आज तो गोलबंदी है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो गोलबंदी वाली राजनीति है, इसमें आप एक शब्द लेकर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी। अब हिंदू हिंदू के नाम पे गोलबंदी होगी, और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू नहीं होगा उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम इस विचार को जब करते हैं तो हमको रोमांच हो जाता है, सिहर उठता है मन, क्योंकि हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना गया है कि राजा के लिए जितनी भी प्रजा है वो सब उसके औरस पुत्र जैसी होनी चाहिए, कि मेरे बच्चे हैं ये, और हमारे यहाँ के राजाओं ने इसी आदर्श का पालन किया है, सबको अपना बच्चा समझ करके सबके योगक्षेम का ख्याल किया है उन्होंने, सबका कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण हो, हम लोग अभी भी नारा लगा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे राजाओं ने इस आदर्श को स्थापित किया है, तो जब गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है, हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी, जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूँ उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर हम लोगों को एक अच्छा राज्य स्थापित करने की इच्छा जाग गई, देखिए हिंदू राष्ट्र की बात क्यों आई है, इसका मतलब है कि जो अभी राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य, उससे लोगों का मोह भंग हो रहा है। एक बात ये भी समझिए कि ये हिंदू राष्ट्र की बात जो बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों का वर्तमान जो स्थापित व्यवस्था है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की, इससे मोह भंग हो रहा है, और मोह भंग हो रहा है इसीलिए हिंदू राष्ट्र की मांग कुछ लोग अगर लेके आ रहे हैं तो ज्यादा लोग उसपे माने आकर्षित हो जा रहे हैं। तो आकर्षित होने का मतलब उनके मन में धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रति वितृष्णा हो रही है, इसीलिए ये बात आगे बढ़ रही है। अब ऐसी परिस्थिति में अगर हम हिंदू राष्ट्र की बात को मान लें तो कल को फिर वही गोलबंदी शुरू होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम लोगों को अपना राज्य स्थापित करना ही है तो हम लोगों को राम राज्य की बात करनी चाहिए। राम राज्य की विशेषता ये है कि वहां कोई अपना कोई पराया नहीं होता है, वहां पर सबके साथ न्याय होता है, न्याय का राज्य। वहां पर कुत्ते को भी न्याय मिल जाता है और जरूरत पड़ती है तो माता सीता को भी राम जी ऋषि के आश्रम में भेज देते हैं, लक्ष्मण को भी मृत्युदंड सुना देते हैं। तो वो जो राज्य था जिसमें भाई भतीजावाद नहीं था, जिसमें जातिवाद नहीं था, जिसमें वर्ग विद्वेष नहीं था, सबके लिए समान न्याय था और न्याय भी तत्काल मिल जाता था, तो ऐसे राज्य की हम कल्पना सदा से करते रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अब व्यावहारिक है, यही तो देश है जिसमें राम राज्य थे।